आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण पर हमारी खास पेशकश। शो के इस हिस्से में हम आपको शुरुआत की चार तस्वीरों के साथ सबसे पहले चंद्र ग्रहण की तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण देश के साथ साथ दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में देखा गया है। रात 1:30 बजे से शुरू हुआ चंद्र ग्रहण सुबह खत्म हुआ 4:30 बजे। खास परंपरा है, इसके खास महत्व है, जिसके बारे में हमारे तमाम खास जो मेहमान है वो बता रहे हैं। पूजा पाठ लगातार जारी है, अलग अलग जगहों पर गंगा स्नान की तस्वीरें नजर आ रही हैं। दुर्लभ चंद्र ग्रहण हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं आस्था की डुबकी, तीसरी तरफ गंगा आरती। और आपको ये भी बता दें कि कल 9 घंटे पहले, क्योंकि सूतक शुरू हो गए थे, तो गंगा आरती रात के बजाय दिन में ही कर ली गई थी वाराणसी में। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना लगातार जारी है महाकाल मंदिर की। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। एक बार फिर से रुक करेंगे हरिद्वार का। हमारे साथ हमारी संवाददाता श्वेता झा जुड़ गई हैं। श्वेता, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं? हवन कीर्तन पूजा गंगा स्नान लगातार अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शशि, मैं आपको बता दूं कि जिस जगह हर की पैड़ी में हम मौजूद हैं, बीती रात से ही हम यहाँ पर हैं, यानी कि पूरी रात हम यहाँ पर रहे हैं। सुबह की हमने तस्वीरें देखी, कल बीती रात का माहौल ही कुछ और था। भजन कीर्तन चल रहा था, पूरी रात लोग जागरण कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, रमे हुए थे बस प्रभु के धुन में। लेकिन आज सुबह की तस्वीर कुछ और है। आज हर कोई फटाफट जल्दी जल्दी गंगा मैया के डुबकी लगा लेना चाहता है और उसके बाद अपने प्रभु अपने ईश्वर को याद करना चाहता है। लेकिन एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये थोड़ी अलग सी है। आपको यहाँ पे बता दें, एक ये पूरा ग्रुप है जो कि आया है गुजरात से और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर भाई? हमें राजकोट से गुजरात से आ रहे हैं। राजकोट में रामनाथपुरा मुक्तिधाम स्मशान गृह चलाते हैं और 6 मंथ हम सबका जो अस्थि है उसकी लेके गंगा घाट में सबका के का नाम बोल के सबका पधराते हैं। यानी कि जो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं उनके नाम की आप अस्थियाँ लेकर आते हैं? जो लोग नहीं आ पाते उसका हर 6 मंथ हम 35 साल से आ रहे हैं और 2500 से 3000 लोगों का अस्थि लेके हम हमारे स्व खर्चे सब आ रहे हैं हमारे। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए हर किसी के नाम की यहाँ पर पर्ची है और वो लोग, क्योंकि हर कोई मोक्ष पाना चाहता है। शशि, देखिए जो सनातन धर्मी है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पर खास करके हर कोई आना चाहता है और मोक्षदायिनी गंगा की डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है और यही तस्वीर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो हमने आपको दिखाया कि दूसरी तरफ, चूंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है, भोलेनाथ के जयकारों के साथ जितने भी कांवड़ हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे अगर वो दिखा पाए, रंग बिरंगे कांवड़ यहाँ पर हैं, अलग अलग रंगों में सजाए हुए हैं और भोले के भक्त यहाँ से गंगा जल भर कर निकल चले हैं अपने पड़ाव की ओर, अगले पड़ाव की ओर। तो अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ पर मोक्षदायिनी गंगा। और इस बीच तमाम ये श्रद्धालु अपने अपने मन में आस्था लिए और प्रभु के ईश्वर के चरणों में सर नवाते हुए, सर झुकाते हुए। जी शशि, बिल्कुल बनी रहे आप श्वेता हमारे साथ। तो आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरिद्वार की खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद से ही संगम में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक कल रात से ही संगम तट से लगातार पल पल की तस्वीरें भेज रहे हैं। आइए अभिषेक से जानते हैं कि वहां का नजारा क्या है। हम इस वक्त प्रयागराज में संगम तट पर मौजूद हैं और संगम तट पर चंद ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के बाद के स्नान का दौर चल रहा है। हालांकि पूरी रात हम लोगों ने देखा किस तरीके से लोग चंद्र ग्रहण के दौरान स्नान करते रहे, पूजा पाठ करते रहे और अब इस तट पर ढेरों लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहीं मंत्रोच्चार हो रहा है, कहीं मंत्र का जाप है, लोग स्नान कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त जो लोग खड़े हैं उसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो रात भर जागे हैं, जिन्होंने रात भर जो लगातार मंत्रों का जाप करते रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा एक परिवार है कह सकते हैं और ये तमाम लोग कौशाम्बी से आए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके साथ ये मंत्रोच्चार इनका चल रहा है। मैं जरा बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कौशाम्बी जनपद से आए हैं, मुख्यालय से हैं और ये जो सुबह मुझे आप मंत्रोच्चार दिख रहा है और इतना स्नान दिख रहा है, क्या महात्मा है इसका?
अरे ग्रहण जो है राहु काल में जब अमृत का बंटवारा हो रहा था उसी समय चंद्र और ये सूर्यों ने देखा कि राहु केतु देवताओं की पंक्ति में बैठे हैं, अमृत लेने की पंक्ति में बैठे हैं, तो उन्होंने इशारा कर दिया। जब उन्होंने इशारा कर दिया तो उसके कारण उनका तो सर उन्होंने चक्र सुदर्शन से काट दिया, ऊपर का भाग राहु हो गया, नीचे का भाग केतु हो गया। बताइए कि हमने रात भर लोगों को यहाँ देखा समाधि में, लोगों को मंत्र उच्चार जप करते हुए, ये बच्चे आपके साथ जो आए हैं ये क्या सब भली भांति परिचित हैं? क्या है ये चंद्र ग्रहण, क्या है इसके इफेक्ट? असल में ये बच्चे तो अभी अभी जुलाई में एडमिशन हुए हैं। अच्छा। ये दूर दूर से आए हैं, कोई राजस्थान से। संस्कृत पढ़ने वाले जी बच्चे? जी ये बताओ तुम लोग सुबह स्नान क्यों किए, स्नान करने क्यों? कल शाम को चंद्र ग्रहण था, उसका सूदक चुराने के लिए हम लोगों ने स्नान किया है। आप लोगों ने स्नान किया? आप कहाँ से आए? हम जौनपुर से आए। जौनपुर से आए जी। कब पहुँचे और किस लिए आए? कल शाम को ही आ गए थे। अच्छा। और ये को कह सके प्रयाग प्रभाव और कलुष पुंज कुंजर मृगराहु, हम लोगों ने चंद्र ग्रहण के बाद गंगा स्नान के महत्व को समझते हुए सपरिवार आए हुए हैं यहाँ। कैसा रहा चंद्र ग्रहण, दिखा आप लोगों को कि नहीं? हाँ दिखा पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखा, लगभग 4 बजे के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा जी। ये बताइए आप आगे आइए, आप लोग आपने चंदन तिलक और तमाम पूजा पाठ आपने किया है, इसका क्या इम्पैक्ट है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, हमें आइडिया इतना है भैया कि मैं गंगा करने आया था स्नान, 12 बजे यहाँ आ गया था, चूँकि कल 4:30 पर सूतक लग गया था। और ये बताते हैं हमारे लोग जो जानकार हैं कि कई वर्षों बाद यह नक्षत्र आया है, तो हम लोग 12 बजे आ गए थे यहाँ, भजन कीर्तन करते रहे और सुबह मॉर्निंग में स्नान कर लिए और रहने वाले हम प्रतापगढ़ के हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण के बाद सूतक खत्म होने के बाद लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, हवन किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर लोग दान करते हुए भी नजर आए। हमारे खास दो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंडित सुरेंद्र जी, अब सवाल ये है कि क्या खास दान किया जा सकता है? जी, जी। दान की बहुत महत्ता है, दान जरूर करना चाहिए जी। थोड़े आसान उपाय जिससे कि सब लोग कर पाएं। जी जी, और बहुत संक्षेप में और बहुत ही आसान उपाय, जिन जातकों की राशि का स्वामी सूर्य है तो वो जातक सूर्य का रंग गुलाबी होता है, तो वो गुलाबी चीज का दान, यानी कि लाल दाल, गुलाबी दाल, गुलाबी वस्त्र, पिंक ब्लैंकेट इत्यादि दान कर सकते हैं, तो उनके ग्रह अच्छे हो जाएंगे और उनको जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। और वो क्योंकि सूर्य का है तो सूर्याय नमः ये मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब ये चंद्रमा, तो चंद्रमा जी के जातक जो राशि, जिन जातकों की राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो वो श्राम सीम सोम सा चंद्रमा से नमः, और चंद्रमा का रंग वाइट है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद आटा है, दूध है और सफ़ेद वस्त्र इत्यादि दान कर सकते हैं। उसके बाद मंगल का रंग लाल होता है, तो लाल दाल का दान, वो लाल दाल का दान करें, और उनके लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जगत जननी दुर्गा माँ का पाठ कर सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट मंत्र है दोम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो उसके बाद बुध आता है, तो बुध का रंग हरा है, हरे रंग का दान, हरी वस्तुओं का दान, हरी दाल, हरी सब्जियां और हरे वस्त्र का दान कर सकते हैं, हरे रंग, इसमें बुध बुधाय नमः या साम सिंह सोम सा चंद्रमसे नमः सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं, तो इसके ये ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। बृहस्पत गुरु, तो गुरु का रंग पीला होता है, तो पीली दाल का दान, पीली चीज़ों का दान, पीले वस्त्र का दान, उससे उनके जन्म कुंडली के ग्रहों पर अच्छा असर होगा और चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पीले वस्त्रों का दान, ओ गुरुवे नमः, और गुरु का अगर लंबा मंत्र है ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि स्व बुध से गुरु शुक्रा शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा हंतु, इस प्रकार का ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु के बाद जो है आता है शुक्र, तो शुक्र का रंग वाइट है, तो वाइट चावल, सफ़ेद चावल का दान कर सकते हैं, और चावल, सफ़ेद चावल, और इसके अलावा सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसका जो मंत्र है शुक्राय नमः कह करके,
और अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं अब इस भाव से, ओम नमः शिवाय। और राहु केतु, राहु केतु ग्रे कलर की चीज, ग्रे दाल होती है, मलका मसूर की ग्रे दाल का दान कर सकते हैं, ग्रे कपड़ों का यानी कि हल्के जो ग्रे रंग के सलेटी रंग के कपड़े उनका वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अंतिम है शनि, शनि का रंग है काला, तो काली काली दाल का दान करें, काली वस्त्रों का काले काले कपड़ों अलग निकाल के रख दें और काली वस्त्रों का काला कंबल काला ब्लैंकेट इत्यादि दान करते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः, ये इसका मंत्र है। तो इस प्रकार से हम मंत्र और ग्रहों के हिसाब से दान का बड़ा भारी महत्व है और मंत्रोच्चार कर सकते हैं। छोटे छोटे मंत्र हैं, बहुत आसानी से इनका उच्चारण किया जा सकता है। अपने ग्रह के हिसाब से आप पूजा पाठ और दान कर सकते हैं। डॉक्टर पातालनाथ, आप जो मंत्र बता रहे थे, कोई ऐसा मंत्र जो सब इस्तेमाल कर पाए, सब जिसका जाप कर पाए और मंत्र छोटा हो जिससे कि आसानी से समझ आए? देखिए, ग्रहों में हमारे ऋषियों ने सारे संसार को सुखी रखने के लिए और आपदा हटाने के लिए बहुत से मंत्र दिए हैं। लेकिन जहां तक वेद का सवाल है, ये वेद की रचना जो है भगवान शंकर ने किया है। अस्य निसस्यम वेद्या ओ वेद्यभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तम हम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरा। हमको आपको सभी को विद्यातीर्थ महेश्वर ने निर्माण किया, बीस नहीं पीते तो हम लोग मर जाते। तो उसमें चंद्र ग्रहण में भगवान चंद्र का, क्योंकि चंद्रवंशी सूर्यवंशी ईणा और पिगड़ा दो नारियां हैं और एक सुषुम्ना बीच में, तो चंद्र ग्रहण में जितना हम भागवत का मंत्र करेंगे वो ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे। और सूर्य ग्रहण में हम भगवान राम का मंत्र करेंगे तो ज्यादा ताकतवर होगा। और सूर्यमौली, ये चंद्रमौली भगवान शंकर का मंत्र ज्यादा ताकतवर होगा। तो मैं दो चार मंत्र आपके आज तक के माध्यम से पूरे विश्व को, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आज बहुत ज्यादा प्रेशर है, जैसे डायबिटीज का मंत्र ले, डायबिटीज का मंत्र ले, ये डायबिटीज का, डायबिटीज जो है आज आम बच्चों को भी हो रहा है। बिल्कुल, ये मंत्र मैं आपसे पूछूंगी। मुझे फिर से एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ रहा है, हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस मंत्र के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ राशियों पे जो बुरा प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।